नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 8 फरवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रिकॉशन डोज देने के मामले में बिहार के इस जिले ने मारी बाजी। स्कूली बच्चों की मेंटरिंग की जिम्मेदारी अब ट्रेनिंग संस्थानों के प्रशिक्षकों के हाथ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्मारकों की दुर्दशा पर पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। बिहार विधानमंडल से पत्राचार के लिए अवकाश के भी दिन खुले रहेंगे कार्यालय। केंद्र के बजट से महिलाओं का होगा विकास। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। प्रिकॉशन डोज देने के मामले में बिहार के इस जिले ने मारी बाजी। कोरोना टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। पहले और दूसरे के साथ लोगों को प्रिकॉशन डोज भी दिए जा रहे हैं। इस डोज के मामले में खगड़िया जिला सूबे में टॉप पर रहा है। खासकर फ्रंटलाइन वर्कर को प्रिकॉशन डोज दिए जाने के मामले में जिला एक नंबर पर है। वहीं नवादा दूसरे और अररिया तीसरे स्थान पर है। इसमें बक्सर प्रथम और वैशाली दूसरे नंबर पर है। DIO डॉक्टर देवनंदन पासवान ने बताया है कि ये आंकड़ा रोज के टीकाकरण के साथ बदलता रहता है। रविवार और सोमवार दोपहर तक के आंकड़ों के अनुसार फ्रंटलाइन वर्कर के प्रिकॉशन डोज में खगड़िया जिला एक नंबर पर रहा। जिले में अब तक कुल 13,959 लोगों को प्रिकॉशन डोज दी जा चुकी है। किसानों को मिलेगी अब मौसम की सटीक जानकारी। अब बिहार के किसानों की फसल मौसम के कारण बर्बाद नहीं होगी, क्योंकि अब किसानों को मौसम से जुड़ी पल पल की जानकारी आसानी से पहले ही मिलने वाली है, जिसकी मदद से ही अब किसान अपने फसल को होने वाले नुकसान से बचाने के उपाय भी समय रहते कर सकेंगे। सबसे खास बात यह है कि मौसम के अनुकूल अब वैज्ञानिक उन्हें सलाह भी देने वाले हैं। इसके लिए मेघदूत योजना के तहत राज्य में टेलीमेट्रिक आधारित रेन गेज और वेदर स्टेशन की स्थापना की गई है। साथ ही 3 जिलों में इसका पूरा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। वहां सूचनाएं एकत्रित कर विश्लेषण किया जाएगा। ऐसे जिलों का चयन किया गया है जिससे ज्यादा इलाके कवर हो सके। इसको लेकर नालंदा, सुपौल और पूर्वी चंपारण टेलीमेट्रिक आधारित हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। बालिका गृह कांड को लेकर पटना हाईकोर्ट की टली सुनवाई। अब इस दिन हो सकती है अगली सुनवाई। गायघाट बालिका गृह कांड को लेकर बीते कई दिनों से बिहार में चर्चाएं तेज हो रही हैं। इसी बीच बीते दिन पटना हाईकोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई की गई और सुनवाई की तारीख की घोषणा भी आगे टाल दी गई है, लेकिन बीते दिन ही इसे 11 फरवरी के लिए टाला गया है। मिली जानकारी के अनुसार पटना हाईकोर्ट ने इस याचिका को जुवेनाइल जस्टिस मॉनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा पर रजिस्टर्ड किया था। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ कर रही है। बीते दिन पीड़िता की तरफ से एक हस्तक्षेप याचिका दायर की गई थी, लेकिन इसकी प्रति राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होने के कारण ही सुनवाई 11 फरवरी 2022 तक टाल दी गई है। उद्योग के उधारी भुगतान विवाद का अब तेजी से होगा निपटारा। बिहार में उद्योग के नाम पर लिए गए उधारी के भुगतान विवाद को सुलझाने की कवायद जोर शोर से शुरू होने वाली है। इसको लेकर उद्योग विभाग की तरफ से सूक्ष्म लघु उद्यम फैसिलिटेशन काउंसलिंग की बैठक अब हर महीने आयोजित होने वाली है। इसके लिए ही उद्योग निदेशालय ने साल 2022 के लिए सालाना कैलेंडर जारी कर दिया है। जारी कैलेंडर के मुताबिक काउंसलिंग की तरफ से सुनवाई आयोजित की जाएगी। इसमें एक उद्यमी दूसरे के पास बकाए से संबंधित विवाद के समाधान के लिए काउंसलिंग के पास ले जाएंगे। ज्ञात हो इन दिनों काउंसलिंग की तरफ से सुनवाई प्रक्रिया को तेज करने की कवायद चल रही है, क्योंकि इससे कारोबारियों को उनकी कार्यशील पूंजी को सुलभ करने में मदद मिलेगी। बिहार की उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की होगी अब नए तरीके से जांच। बिहार में अब उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की अब 3 अतिरिक्त जांच होगी। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुद दी है। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार राज्य में मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया जाना है, जिसके तहत ही अब प्रसव के पहले और बाद में जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य की लगातार देखरेख करने के लिए आशा को लगाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार 9 फरवरी से नई योजना को और प्रभावी बनाया जा रहा है। मंत्री मंगल पांडे की माने तो अब ऐसी हाई रिस्क वाली प्रसूता की पहचान होने के बाद आशा को इन गर्भवती महिलाओं को निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों पर अतिरिक्त 3 विजिट करवाना आवश्यक होगा। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने निकाली रिक्तियां। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने क्लर्क के कुल मिलाकर 195 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10वीं कक्षा पास या समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 15 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.easterncoal.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं।
बेगूसराय पहुंचे विदेशी मेहमान। बिहार के बेगूसराय जिले से लगभग 22 किलोमीटर उत्तर में स्थित कांवर झील में ठंड के मौसम में साइबेरियन पक्षियों के 59 प्रजाति और 107 देशी प्रजातियों के पक्षी आए हैं। 66.13 वर्ग किलोमीटर में फैले इस मीठे पानी के झील को साल 1989 में बिहार के पक्षी विहार का दर्जा मिला था। कुछ सालों से झील का पानी सूख जाने से यहां कम पक्षी आ रहे थे, लेकिन पिछले साल से फिर से प्रवासी पक्षियों का आगमन एक बार फिर से शुरू हो गया है। यहां आने वाले पक्षियों की सरकारी स्तर पर गणना नहीं हुई है, लेकिन इनकी संख्या लाखों में बताई जाती है। यहां पर देसी प्रजाति के अलावा अफ्रीका, जर्मनी, नीदरलैंड आदि देश से पक्षी आते हैं। इनमें राजहंस, सारंग, घोंघिल, लालसर, सिखपर, चकवा, खंजन आदि शामिल है। 90 के दशक में यहां साइबेरियन सारस भी आते थे, हालांकि अब वो कम दिखाई देते हैं। स्कूली बच्चों की मेंटरिंग की जिम्मेदारी अब ट्रेनिंग संस्थानों के प्रशिक्षकों के हाथ। शिक्षा संस्थानों के प्रशिक्षु शिक्षक अब सरकारी विद्यालय में नामांकित बच्चों की मेंटरिंग का काम करने वाले हैं। अब बिहार के राजकीय शिक्षक ये काम करेंगे। इसको लेकर उनकी ट्रेनिंग में प्रावधान किया जाएगा। ज्ञात हो, शिक्षा विभाग के शोध प्रशिक्षण निदेशालय ने सभी 66 शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों को निर्देश दे दिया है, जिसके बाद ही अब ये तय है कि जो भी ट्रेनिंग संस्थान जहां अवस्थित है उसके आसपास के सरकारी विद्यालयों में नामांकित बच्चों से इन संस्थानों के प्रशिक्षुओं को जोड़ना होगा। प्रशिक्षु और स्कूली विद्यार्थियों के बीच 1-to-1 संबंध बनाया जाएगा। इसके लिए दोनों चिन्हित होंगे। किस प्रशिक्षु को किस बच्चे को अध्ययन में गाइड करना है ये सुनिश्चित होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्मारकों की दुर्दशा पर पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। बीते दिन पटना हाईकोर्ट में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मारकों की दुर्दशा के मामले में दायर जनहित याचिका पर एक बार फिर से सुनवाई हुई। विकास कुमार की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए बिहार विद्यापीठ के संबंध में दायर हलफनामा पर असंतोष जाहिर किया है, जिसके बाद ही अब कोर्ट ने बिहार विद्यापीठ को निर्देश दिया कि बिहार विद्यापीठ में हुए अतिक्रमण का विस्तृत ब्यौरा पेश करे। साथ ही हाईकोर्ट ने बिहार विद्यापीठ से जुड़े विवादित भूमि की खरीद बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का आदेश भी जारी कर दिया है। गाड़ियों को नष्ट करने के लिए आधुनिक होंगे कबाड़ केंद्र। अब बिहार में गाड़ियों को नष्ट करने के लिए बनने वाले कबाड़ केंद्र आधुनिक होने वाले हैं, क्योंकि इसमें मानव हस्तक्षेप कम और मशीनों की भूमिका अधिक होने वाली है। केंद्र में पर्यावरण संतुलन का खास ख्याल रखने की तैयारी भी हो रही है। आम लोगों के साथ साथ गाड़ियों के नष्ट करने की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी की निगरानी में होगी, ताकि सरकार जब चाहे तब कबाड़ केंद्रों की पूरी प्रक्रिया की तहकीकात कर सके। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने स्क्रैप सेंटर के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। विभागीय आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने जो स्क्रैप सेंटर के लिए मानदंड तय किए हैं वही बिहार में लागू होंगे। सिवान से मशरख तक राम जानकी पथ निर्माण पर खर्च होंगे 1351 करोड़। हाल ही में केंद्र सरकार ने आम बजट पेश करने के दौरान एनएच की लंबाई 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसके बाद अब जिले से होकर गुजरने वाली राम जानकी पथ एनएच 227 ए का भाग्य खुल गया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार अधिग्रहण का काम पूरा कर चुके सिवान मशरख लेन का टेंडर जल्द ही जारी होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस बार बजट में एनएच की लंबाई बढ़ाए जाने का प्रभाव अयोध्या से जनकपुर तक बन रहे राम जानकी पथ के निर्माण पर पड़ेगा और पूरे पथ का टेंडर हो जाएगा। सहरसा के रक्त काली मंदिर मत्स्यगंधा में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। साल 1997 में तत्कालीन डीएम के प्रयास से एक बंजर जमीन पर मत्स्यगंधा जलाशय परियोजना का निर्माण करवाया गया था। बाद में इसके साथ ही झील से सटे भूभाग पर रक्त काली मंदिर, 64 योगिनी धाम के साथ ही दर्जनों मंदिर का निर्माण कर इसे कोशी प्रमंडल के प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में शुमार कर दिया गया। यहां सैकड़ों लोग प्रतिदिन इस मंदिर में पूजा और संध्या काल में घूमने आते हैं। इस मंदिर के अंदर एक स्थान पर 108 मूर्तियां स्थापित की गई हैं और इसमें मां काली की एक बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित है। मत्स्यगंधा जलाशय काफी सालों तक बंद रहा, लेकिन 2017 में इसे लोगों के लिए खोल दिया गया था। साथ ही इसमें बोटिंग की भी सुविधा प्रदान की गई। यह जगह सहरसा के बेहतरीन पर्यटन स्थलों में से एक मानी जाती है। पटना हाईकोर्ट की हो रही है डिजिटल सुनवाई, जमकर किए जा रहे हैं लाइक्स और शेयर। कोरोना काल में पटना हाईकोर्ट भी काफी हद तक डिजिटल हो गया है। यही कारण है कि अब हाईकोर्ट की सुनवाई को यूट्यूब पर लाइव किया जा रहा है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पटना हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के सभी मुकदमों की सुनवाई की न्यायिक प्रक्रिया को लाइव किया गया है। बिहार में पक्षकार और मुवक्किल अपने मुकदमों की सुनवाई का लाइव प्रसारण देख और सुन रहे हैं। इसको लेकर हाईकोर्ट की तरफ से अब तक 68 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आम जनता इसे शेयर और लाइक भी खूब कर रही है। ज्ञात हो, अपनी सुनवाई को ऑनलाइन करने वाला पटना हाईकोर्ट देश का 5वां हाईकोर्ट बन गया है। बिहार में सभी थानों में खोले जाएंगे बैंक अकाउंट, जमा होगी सामान्य खर्च की राशि। बिहार के सभी थानों को 3 श्रेणियों में बांटकर राशि आवंटित करने का निर्णय लिया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय ने थानों में होने वाले सामान्य खर्चे के लिए बिहार के सभी थानों में ये व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार मुख्यालय की यही कोशिश है कि बिहार के थानों को सक्षम और छोटे मोटे खर्चे के लिए आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसी उद्देश्य के साथ पुलिस मुख्यालय ने एक विशेष पहल की है। इसके तहत सभी थानों का एक खाता खोलने की तैयारी है, जिसमें सालाना खर्चों के लिए एक खाता पेरेंट चाइल्ड अकाउंट के तर्ज पर काम करेगा, जिसकी मॉनिटरिंग बिहार पुलिस मुख्यालय से ही होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, वर्तमान समय में बिहार में कुल 1067 थाने हैं, जिन्हें तीन श्रेणी ए, बी और सी में बांटा गया है। ए श्रेणी वाले थानों को 1,00,000 रुपए सालाना, बी श्रेणी वाले थानों को 60,000 रुपए, जबकि सी श्रेणी वाले यानी कि छोटे थानों को 40,000 रुपए सालाना प्रदान किए जाएंगे। विधानमंडल से पत्राचार के लिए अवकाश के भी दिन खुले रहेंगे कार्यालय। बिहार विधानमंडल सत्र को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। यही कारण है कि राज्य सरकार ने विभागों को कहा है कि अवकाश के दिनों में भी दोनों सदनों से आने वाले पत्रों की प्राप्ति की व्यवस्था करे। सत्र 25 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जो कि एक महीने तक चलने वाला है। इसको लेकर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बीते दिन ही सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा है कि विधानमंडल सत्र से जुड़े काम का समय पर निष्पादन करना जरूरी है। इसके साथ ही ये भी आदेश जारी किया गया है कि विभागों में ऐसी व्यवस्था करें जिससे अवकाश के दिनों में भी विधायी पत्राचार बाधित ना हो। अवकाश के दिनों में विधानमंडल से जुड़े पत्र लिए जाएं, समय पर उनके जवाब भी दिए जाएं। बीएसएससी ने जारी किया खान निरीक्षक परीक्षा का सिलेबस। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन खान निरीक्षक के खाली पदों पर नियुक्ति को लेकर परीक्षा का सिलेबस जारी कर दिया है। इसके लिए बीएसएससी की तरफ से 22 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। 100 पदों पर नियुक्ति होनी थी, इसमें 34 पद महिलाओं के लिए सुरक्षित किए गए हैं। आयोग की तरफ से खान निरीक्षक के लिए जारी विज्ञापन में चयन की प्रक्रिया में भूल के कारण परीक्षा की समयावधि 3 घंटे कर दी गई थी। अब इसे आयोग ने सुधार करते हुए 3 पत्रों के लिए 2-2 घंटे का समय सीमा निर्धारित किया है। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पत्र की परीक्षा होनी है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक पेपर में 100 अंक निर्धारित है। चुनाव आयोग ने वार्डों के परिसीमन का काम करने का जारी किया आदेश। राज्य निर्वाचन आयोग ने बीते दिन बक्सर जिले के नवगठित, उत्क्रमित या सीमा विस्तृत निकायों में वार्डों का गठन और परिसीमन का काम आगामी 10 फरवरी तक किसी भी हाल में पूरा करने का निर्देश जारी किया है। ज्ञात हो, जिले में पहले से 2 नगर परिषद है। नगर परिषद के क्षेत्र का विस्तार किया गया है। उम्मीद है कि अब सरिमपुर, अहिरौली, निरंजनपुर, जासो, सोहनी पट्टी, गोप, नुआव, बुदका, नुआव और बीबीगंज नगर परिषद बक्सर में शामिल हो जाएंगे। ब्रह्मपुर, चौसा और इटाढ़ी प्रखंड को भी नगर पंचायत का दर्जा दिया जा चुका है। जारी पत्र के अनुसार नवगठित नगर निकाय के वार्डों के गठन के लिए समय सारणी भी चुनाव आयोग ने निर्धारित कर दी है। 3 फरवरी से शुरू इस काम को 10 फरवरी तक पूरा करने का निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार नवगठित वार्डों के प्रारूप का प्रकाशन 11 फरवरी को होगा। अब पटना में पंचायत स्तर पर मिलेगा बारिश का आंकड़ा। पटना जिले में अब सभी पंचायतों में बारिश मापी यंत्र लगाने की तैयारी हो रही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बारिश का पंचायत स्तर पर स्थिति जानने के लिए ही उक्त निर्णय लिया गया है। जानकारों की माने तो बिहार सरकार की अगर ये योजना सफल रही तो पंचायत स्तर पर बारिश के आंकड़े मिलने पर किसान मौसम अनुकूल खेती कर पाएंगे। कृषि विभाग के अधिकारियों की माने तो वर्षा मापी से इलाके में तेज बारिश, ओलावृष्टि जैसे अन्य मौसम की गतिविधियों की सटीक जानकारी मिल पाएगी। सबसे अच्छी बात ही यही है कि वर्षा मापक यंत्र ऑटोमेटिक संचालित होता है। ऐसे में अच्छी बात यही होगी कि बारिश की पूरी रिपोर्ट कृषि विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। ग्राउंड से मुख्यालय के बीच यंत्र इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट रहता है। ऐसे में सारा का सारा आंकड़ा सिस्टम में आने वाले समय में स्टोर हो जाएगा। विशेष राज्य के मुद्दे पर फिर से दो फाड़ में बटी एनडीए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग बीते कई दिनों से लगातार हो रही है। यही वो मुद्दा है जिसके कारण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दो हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने भी एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार का घेराव किया है। इसको लेकर भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए विशेष पैकेज का पूरा उपयोग ही नहीं कर पा रही है, पूरे मंत्रिमंडल का सहयोग आवश्यक है। आंकड़े देते हुए उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार बिहार का ध्यान रखती है, बिहार को दूसरे राज्यों से मिल रहे अधिक मदद भी मिल रही है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर काम करने की सलाह भी अब सरकार को दे दी है। चिराग पासवान ने नीतीश सरकार के ही खिलाफ खोल दिया मोर्चा।
विधानसभा चुनाव के बाद ही से ही अब लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान नीतीश सरकार के खिलाफ नजर आए हैं। यही कारण रहा है कि एनडीए से उन्होंने दूरी बनाई है। हालांकि अब चिराग एक बार फिर से नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं। इसी के तहत चिराग 15 फरवरी को अपने तमाम नेताओं के साथ पटना के जेपी गोलम्बर से राजभवन तक मार्च निकालेंगे। इसको लेकर हाल ही में लोजपा रामविलास की तरफ से बैठक बुलाई गई थी। इसी बैठक में चिराग पासवान ने बिहार सरकार के कभी भी गिरने की बात कही है, साथ ही सरकार की विफलताओं को जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक उठाए जाने की बात भी कही है। इतना ही नहीं, राजभवन मार्च के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का काम भी जल्द से जल्द किए जाने का निर्देश उन्होंने दिया है। 10 फरवरी के बाद बेरोजगारी यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब बिहार की बेरोजगारी की समस्या को जड़ से खत्म करने की मुहिम में जुड़ने वाले हैं। यही कारण है कि कोरोना के कारण टाली गई बेरोजगारी यात्रा को तेजस्वी एक बार फिर से शुरू करने जा रहे हैं। पार्टी का 10 फरवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करवाई जा रही है, जिसमें संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा होगी और इस बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में बेरोजगारी यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव ने भी बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान बड़ी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि एनडीए की नीतीश सरकार ने चुनाव के समय 2020 में 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था, पर इसके लिए अभी तक किसी तरह का कदम नहीं उठाया गया है। बिहार के युवा रोजगार को लेकर परेशान है। उनकी पार्टी पटना के गांधी मैदान में बेरोजगार रैला करेगी और इससे पहले वो खुद 10 फरवरी के बाद बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। केंद्र के बजट से महिलाओं का होगा विकास। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश किए गए बजट के बाद से ही सत्ता पक्ष भाजपा बजट को समझाने में लगी हुई है। इसी को लेकर भाजपा जल्द ही आम लोगों को बजट समझाने के लिए मुहिम की शुरुआत भी करने वाली है। हालांकि इन सबके बीच बीते दिन प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष लाजवंती झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान ही उन्होंने इस बजट को महिलाओं के लिए सर्वांगीण विकास वाला बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इससे देश की महिलाओं का चहुंमुखी विकास होगा। महिला आधारित विकास कार्य को देखते हुए सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं को पुनर्जीवित कर दिया है। के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1943 में जर्मनी के केल से एक नौका के जरिए जापान के लिए रवाना हुए थे। दिल्ली हवाई अड्डे पर 1986 में पहली बार प्रीपेड टैक्सी सेवा की शुरुआत आज ही के दिन से हुई थी। क्रिकेटर कपिल देव ने 1994 में टेस्ट मैच में 432 विकेट लेकर रिचर्ड हेडली के सबसे अधिक विकेट लेने के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। भूटान नरेश 8 फरवरी 2007 को अपनी पहली भारतीय यात्रा पर निकले थे। 1897 में देश के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। 1925 में प्रसिद्ध भारतीय ठुमरी गायिका शोभा गुट्टू का जन्म हुआ था। 1995 में आजादी के लिए संघर्ष करने वाली महिला क्रांतिकारियों में से कल्पना दत्त का निधन हुआ था। वेंकटेश प्रसाद की ऑल टाइम इंडिया ओडीआई 11 में रोहित शर्मा को नहीं मिली जगह। टीम इंडिया ने अपना 1000वां वनडे इंटरनेशनल मैच 6 विकेट से अपने नाम दर्ज किया और वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। वेंकटेश प्रसाद ने अब इस मैच से पहले ऑल टाइम इंडिया ओडीआई 11 चुनी है। इन 11 खिलाड़ियों की लिस्ट में प्रसाद ने मौजूदा वनडे और टी20 कप्तान रोहित शर्मा को ही जगह नहीं दी। उन्होंने इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गजों को जगह दी है। जसप्रीत बुमराह भी इस लिस्ट में शामिल नहीं है। प्रसाद ने इस प्लेइंग 11 में पारी के आगाज के लिए भारत के सबसे सफल सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को चुना है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर उन्होंने पूर्व कप्तान विराट कोहली को जगह दी है। गूगल क्रोम लोगो में हुआ बड़ा फेरबदल। दुनिया भर के करोड़ों यूजर गूगल क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं और कंपनी ने इसके लोगो में फेरबदल कर दिया है, जो जल्द ही लोगों में दिखाई देने लगेगा। गौर करने वाली बात यह है कि कंपनी ने 8 साल में पहली बार ऐसा फैसला लिया है। दरअसल 2014 के बाद पहली बार क्रोम अपना लोगो बदल रहा है और यदि आप गौर से देखें तो आप वास्तव में देख पाएंगे कि क्या अलग है। एल्विन हु, जो गूगल क्रोम के लिए एक डिजाइनर है, उन्होंने ही ट्विटर पर एक थ्रेड दिखाया है जिसमें रीडिजाइन लोगो का फर्स्ट लुक देखा जा सकता है। साथ ही साथ हु ने लोगो के सूक्ष्म परिवर्तन के पीछे की सोच के बारे में भी बताया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राजू कुमार पॉल, लवकुश कुमार, गौतम कुमार, लाडला कुशवाहा, कुंदन कुमार, श्रवण कुमार, जन्नत परवीन, अंबुज कुमार, बाबुल यादव, अजीत कुमार, प्रिया यादव, रिजवाना अहमद, राजीव कुमार, चंदन कुमार, यादव कुमार, गौरव कुमार, लवकुश कुमार, ओमकार सिंह,
गौतम सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच खेले जाने वाले दूसरे मुकाबले में किस टीम के जीतने की सबसे ज्यादा संभावना है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।